मैं जानती थी कि एक ना एक दिन यह सवाल मुझसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल तो हमेशा औरत से ही पूछा जाता है ना। लेकिन ये नहीं जानती थी ये सवाल मुझसे एक औरत ही करेगी। मैंने तो सुना था एक औरत को दूसरी औरत समझती है, और शानी तुम तो मेरी दोस्त हो, तो तुम मुझे क्यों नहीं समझी? जब एक औरत कहती है कि उसे अपने बच्चे के बाप का नाम पता है, तो वो जानती है कि वो कौन है, और चाहे सवाल कोई भी करे, जवाब एक माँ दे रही होती है। लेकिन आज यहाँ तुम मेरी फ्रेंड बन के नहीं, बल्कि शर्मन की बहन शानी बन के मुझसे ये पूछ रही हो, तो तुम्हें तो अपने भाई शर्मन की बात पे ही भरोसा होगा ना, तो तुम क्यों करोगी मेरी बात पे भरोसा? रितिका, ये ओके? शानी प्लीज, अगर भरोसा नहीं कर सकती तो फिक्र भी मत करो। क्या गलती है मेरी? यही ना कि जिससे प्यार किया उसी से रिश्ता बनाया। हाँ मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, तो क्या इस गलती की सजा जिंदगी भर मिलती रहेगी मुझे? ठीक है, तुम्हें मुझे जितनी सजा देनी है दो, जितने सवाल पूछने पूछो, लेकिन इस सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई में मैं अपनी हार नहीं मानूंगी। इस साल से गुजरी ये मैं ही जानती हूँ, शर्मन से प्रेग्नेंट हुई और उसी ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। तुम चिराग के मर्डर केस में जेल चली गई, और मेरे पापा भी वहां एक्सपायर हो गए। एक ही रात में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई, कोई नहीं था मेरे साथ। तब आरबी ने मुझे सहारा दिया, मुझे और मेरे बच्चे को अपना नाम दिया। आई नो हमारी कभी शादी नहीं हुई, लेकिन पूरे समाज में उसने मुझे अपनी बीवी का ओहदा दिया, वरना शर्मन की तरह पूरी दुनिया मेरे बच्चे को नजायज कहती। यू नो शर्मन से ये बच्चा मेरी गलती नहीं है, उस पे भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगा था कि हमारी शादी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसने तो साथ निभाने की कसम खाने से पहले ही मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन निशानी, तुम्हारे साथ ये सब बात करने का मौका मिला ही नहीं, ना ही तुमने कभी मुझसे पूछा। मैं जेल से छूटने के बाद सीधा रणवीर से मिलने आ रही थी, तभी कहीं रास्ते में मैंने किसी टीवी में तुम दोनों को एक साथ अवार्ड फंक्शन में देखा। बाहर रणवीर सबके सामने अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा था, आई सॉ यू प्रेग्नेंट। मुझे लगा कि रणवीर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका, अपनी फैमिली बना रहा है। उसके बाद मुझे अम्मा काकी मिली, उन्होंने भी मुझे समझाया कि मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। मैं आज तक यही सोचती रही कि बच्चा रणवीर का है। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बच्चे को अपने बाप से दूर नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं उससे दूर चली गई। कृतिका, तुम जानती हो मैं रणवीर से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी खुशी से पहले मैंने उसकी खुशी देखी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं आज तक उसे कोई खुशी दे ही नहीं पाई। तो मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट उसे उसके बच्चे का सुख तो दे सकूं, इसलिए मैं उससे दूर रही, उसे नफरत करने का नाटक किया। पर अगर मुझे पता होता कि ये बच्चा रणवीर का नहीं है, तो मैं वो सब ड्रामा कभी नहीं करती, कभी उससे इतनी नफरत ही नहीं करती कि उसका प्यार पर से विश्वास उठ जाए। आई नो ईशानी कि लोग प्यार में क्या क्या कुर्बानी करते हैं, एंड आई नो कि तुमने ये सब कुछ आरबी के लिए किया, ने प्यार के लिए किया। आई नो कि तुमने चिराग को नहीं मारा, बल्कि आरबी को बचाने के लिए सारा के सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। तुमने क्राइम स्पॉट से सारे सबूत मिटा दिए, आरबी की गाड़ी को वहां से दूर ले गई, अपनी साड़ी का टुकड़ा, अपना बैंगल, अपना इयररिंग सब वहां छोड़ दिया, ताकि सबको लगे कि चिराग का खून तुमने किया है, और आरबी पे से सबका ध्यान हट जाए। ईशानी, योर लव इज ग्रेट, पर अब मैं क्या करूं? मैं भी आरबी से प्यार करने लग गई। पिछले 8 महीनों में जो उसने मेरी केयर की है,
उसके बाद हमारे बीच में भी एक रिश्ता बन गया, और फिर आदमी मुझसे प्यार करे ना करे, मैं उससे प्यार करती हूँ और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ईशानी, ईशानी, पहले मैं तुम्हारे प्यार को समझती थी, अब तुम्हें मेरे प्यार को समझना होगा। प्लीज ईशानी, तुम आर्मी से दूर चली गई थी तो अब प्लीज दूर ही रहना, क्योंकि अब मेरी आशिकी आर्मी से और तुम्हारी कहानी अधूरी है। अरे मासी, आपने रितिका को देखा क्या? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ पर वो मिल नहीं रही है, और अपने कमरे में भी नहीं। अरे मासी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो शायद बाहर गई है, मैंने उन्हें कार की चाबी मांगते हुए सुना था। हाय हाय रणबीर, रितिका घर से बाहर गई? अरे उसको मालूम नहीं है क्या कि एक बार मेहंदी लग जाने के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती है? अरे माँ, तुझे पता रितिका कहाँ? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, उठा नहीं रही है। हाय, तू कितना प्यारा लगता है जब उसकी इतनी फिक्र करता है। प्लीज बोल ना, पता ना कहाँ गई है वो? अरे वो मगनलाल ज्वेलर के यहाँ गई है, उसे अपनी कोई ज्वेलरी का डिजाइन पसंद नहीं आया था, वो बदलवाने गई है। लेकिन तू इतना परेशान क्यों ना? कुछ नहीं, वो मैंने उसे एक फाइल दी थी रखने के लिए तो वो मिल नहीं रही थी, तो उसी से पूछना था कि कहाँ रखी है। कोई बात नहीं, मैं मगनलाल फोन करके पूछ लेता हूँ कि वो कहाँ रखी। ठीक है। हेलो, हाँ मैम, आरबी बोल रहा हूँ। वहाँ पे रितिका आई थी क्या? वो चली गई क्या? वो आई नहीं थी? नो, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अरे बेटा क्या सोच रहा है? कुछ नहीं बाबा, वो रितिका पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ रितिका, रितिका को मैंने उसके किसी फ्रेंड से बात करते हुए सुना था, कहीं वो मलबार हिल के बैक रोड पर जाने की बात कर रही थी। अरे भाई एक मिनट, आप ही को ढूंढ रहा था मैं। मतलब वो हिना से मिलने के लिए, लेकिन आज के दिन ही क्यों? ऐसा भी तो जरूरी नहीं था। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे सच सुनना है, क्योंकि जितना भरोसा मुझे रणवीर पे, उतना ही भरोसा मुझे शर्मन भैया पे भी है। वो दोनों कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते। अगर रणवीर मेरे साथ था तो वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता था, और शर्मन भैया किसी भी लड़की के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते। I'm sure कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक काम करते हैं, हम दोनों जाके शर्मन भैया से एक बार बात कर लेते हैं। नहीं शानी, प्लीज इसमें शर्मन को इन्वॉल्व मत करो, वरना वो फिर से मेरी इंसल्ट करेगा। पहले तो सिर्फ फैमिली में बदनामी हुई थी, अब पूरी सोसाइटी में होगी, क्योंकि सबको पता है कि मैं आरवी की वाइफ हूँ। बट यू डोंट वरी, तुम्हें सच जानना है ना, तो मैं शादी से पहले अपना DNA टेस्ट करवाऊंगी। DNA टेस्ट की रिपोर्ट से सब पता चल जाएगा कि ये बच्चा है किसका। लेकिन ईशानी प्लीज, तुम आरवी के सामने कुछ मत बोलना। नहीं रितिका, तुम्हें DNA टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है ईशानी, क्योंकि मुझे सबका भरोसा जीतना है, और उसके लिए कोई ना कोई कीमत तो देनी होगी। लेकिन प्लीज ईशानी, जब तक ये टेस्ट ना हो जाए, तुम शर्मन से कोई बात मत करना। वो झूठ बोल रहा है, और इस टेस्ट से सब साबित हो जाएगा। I'm sorry रितिका, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम सबको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, स्पेशली रणबीर को। क्या कुछ नहीं कहा मैंने उससे, उसे इतनी नफरत दी कि उसका प्यार पर से विश्वास ही उठ गया। लेकिन क्योंकि अब तुम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, रणवीर के लिए बहुत जरूरी है कि वो सच को जाने। हाँ रितिका, मैं नहीं चाहती कि वो एक टूटे दिल के साथ रिश्ते की शुरुआत करे, क्योंकि जो इंसान प्यार में भरोसा ही नहीं रखता, वो किसी को क्या प्यार करेगा। प्लीज रितिका, मुझे बस एक बार उससे बात करने दो, उसे एक्सप्लेन करने दो कि मैंने ये सब क्यों किया, क्यों उससे नफरत का नाटक किया। प्लीज रितिका, एक बार उससे माफी मांगने दो। प्लीज Just let me meet him once. ठीक है ईशानी, तुम उससे बात कर लेना, लेकिन उससे पहले सच उसे मैं बताऊंगी। But I need some time for this. Please ईशानी, please उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो
आई एम जेलिस। मुझे जलन हो रही है तुम दोनों की दोस्ती देखकर। या मेरे पास अपनी होने वाली बीवी से बात करने का टाइम नहीं है और वो अपने फ्रेंड से मिलने आई, वो भी ऐसी जगह जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। डोंट वरी, मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा और ना ही तुमसे पूछूंगा कि तुम यहां क्यों आए। पर एक बात जरूर कहूंगा कि जब भी ईशानी आरवी के किसी भी फैमिली मेंबर से मिलती है तो उस पर कोई नई मुसीबत आ जाती है। बुरा आरवी को लगता है और तकलीफ ईशानी को सहनी पड़ती है। रितिका, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब मैं ईशानी को भी कोई प्रॉब्लम में देखना नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी। पर इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर लाइफ में तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कहो, आई विल बी देयर फॉर यू। पर ईशानी को उसमें इन्वॉल्व मत करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। ईशानी, लेट्स गो। घर पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगर ये बच्चा शर्मन भैया का है तो उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगी, ओके? एक और मुसीबत। अब मम्मा क्या करेंगी? डीएनए टेस्ट करवाएंगी? नो। आरवी को सब कुछ सच सच बता देंगी? बिग नो। अब क्या ईशानी आंटी शादी तक अपना मुंह बंद रखेंगी? नेवर। तो अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं इस प्रॉब्लम से बाहर? शादी एक दिन पहले कराने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आरवी के साथ मेरे घर बसाने का सपना। ये तो रितिका की गाड़ी है। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर किससे मिलने आई थी यहाँ पे? नो। यहाँ क्या कर रही है? कहीं शानी ने इसे फोन करके तो नहीं बुला लिया? नहीं, ये खुद ही यहाँ खींचा चला आया होगा। जहाँ शानी वहाँ आदमी, और तो और ये शिखर भी यहाँ इसके पीछे पीछे आ गया। ओ गॉड, पता नहीं इस लड़की में ऐसा है क्या कि सारे लड़के इसके पीछे पीछे आ जाते हैं। यहाँ एक नहीं मिलता पर इसके पीछे तो लाइन लगी हुई है। पहले रणवीर, फिर वो चिराग, और अब ये शिखर। रितिका, शर्मन भैया की बात सुन के लगता है
कि वो सच बोल रहे हैं। रितिका की बात सुन के लगता है कि वो सच बोल रही। क्या करूं, किसकी बात मानूं? क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही है? नहीं तो? इतने दिनों में इतना तो जान गया हूं तुम्हें। चेहरे पे साफ लिखा है आई एम कंफ्यूज्ड। शादी को लेके कंफ्यूज्ड हो रही हो, करूँ या नहीं? नहीं शिकर, शादी को लेके मतलब ईशानी, हमारे बीच इतना भरोसा तो बन चुका है कि हम खुल के बात कर सकें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रितिका से आरवी की बात करने गए थे? सॉरी ईशानी, मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। तुम कहाँ जा रही हो और किससे मिल रही हो इससे मुझे मतलब नहीं। तुम्हें कहाँ जाना अच्छा लगता है और किससे बात कर कर खुशी मिलती है, मुझे बस इसी से मतलब है। पर असली खुशी तो वो होती है ना जो दिल से होती है। ईशानी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, इनफैक्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम शादी का हर फंक्शन, हर रसम निभा रही हो, हर वो चीज कर रही हो जिससे मेरे फैमिली को खुशी मिले। पर तुम्हारी खुशी बुझी बुझी सी लग रही है। चेहरे पे स्माइल तो है पर आंखों में उदासी है। ईशानी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तुम्हारी नजरें झुकानी पड़े। ईशानी, में रिश्ते बनाने और निभाने में इतना अच्छा नहीं रहा, पर मैं चाहता हूं कि हमारे रिश्ते में कोई पाबंदी ना हो, हमारे रिश्ते में खुल के जीने की आजादी हो, ताकि शादी के बाद तुम पर कोई प्रेशर ना रहे। हाँ ईशानी, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। आई नो कि शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं, बट आई कैन हैंडल एवरीथिंग। अगर किसी वजह से शादी को लेकर तुम्हारे मन में सेकेंड थाट्स हैं या कोई कन्फ्यूजन है या तुम्हें शादी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए या अपने डिसीजन को दोबारा सोचना है तो प्लीज़ मुझे बता देना। नहीं ईशानी, कुछ मत करो, ट्रस्ट में मुझे बुरा नहीं लगेगा। आई वॉन्ट बी हर्ट और अपसेट, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा कि तुम अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करोगी। तुम्हीं से सीखा है कि प्यार बांध के रखने वाली चीज नहीं है। अगर आपका प्यार सच्चा है, आपका है, तो आपके पास आ ही जाएगा। जिस सोच के साथ तुमसे प्यार हुआ, उसी सोच के साथ तुमसे शादी करना चाहता हूं। घर से फोन है, हमें मेहंदी की रस्म पूरी करने के लिए घर जाना होगा, पर तुम्हें अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। तुम्हारे पास पूरी रात है, तुम आराम से सोचो, सो जाओ और कल सुबह मुझे अपना डिसीजन बता देना। शादी के फैसले में शादी की रस्म ही तुम्हारी हेल्प करेगी। वो मॉम ने कहा था कि मेहंदी की रस्म के बाद तुम्हें होटल रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ हमारी शादी की बुकिंग हुई है। वो शादी की रीति रिवाज में मेहंदी के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख नहीं सकते और मिल भी नहीं सकते, तो तुम्हें उस होटल रूम में काफ़ी वक्त मिलेगा सोचने का। और अच्छा है ना, मेरा फेस देखे बिना डिसीजन लोगी तो अच्छा ही लोगी।
वैसे मुझे पता है कि तुम हाँ ही बोलोगी, आई मीन तुम्हें लगेगा ना बोलूंगी तो बेचारे का दिल टूट जाएगा और शर्म के मारे हाँ तुमसे बोला नहीं जाएगा। तो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, कल सुबह जब मैं तुम्हारे होटल रूम में आऊँगा, अगर दरवाज़ा खोलकर तुमने मुझे स्माइल दी तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है, और अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला या तुम मुझे होटल रूम में नहीं मिली तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारा जवाब ना है, ठीक है ना? बिना बोले दोनों का काम हो जाएगा।